नमस्कार, मैं हूं नवजोत और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। संक्रांति के संग महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और बहुत खास इस दिन को बना रहा है शाही स्नान। और ये ऐसा बहुत सालों बाद हो रहा है कि शाही स्नान और संक्रांति एक ही दिन पड़ रहा है और महाकुंभ की शुरुआत भी हो रही है। 7 जन्मों का पुण्य आप कमा सकते हैं कुछ खास पूजा का विधि विधान अगर आप अपनाएं और कुछ खास बातों का ख्याल रखें। और वो कौन सी खास बातें बताने के लिए हमारे साथ सुरेश कौशल जी हैं। स्वागत है सुरेश जी आपका। लेकिन इस दिन का खास महत्व क्या है उस पर एक नजर पहले। बेहद पावन हुआ संक्रांति का पर्व, बरसेगा सूरज की किरणों से अमृत, महाकुंभ का अद्भुत संयोग, 33 करोड़ देवी देवता देंगे आशीर्वाद, गंगा में लगाई गई एक डुबकी दिलाएगी सारी मुश्किलों से मुक्ति। खुशियां देने वाली है आपके द्वार पर दस्तक, खुलने वाला है किस्मत का दरवाजा। सोमवार को पौ फटते ही सूरज की ये किरणें जब पड़ेंगी भक्तों के तन पर, तो पावन हो उठेगा तन मन, बादलों को चीर कर निकल आएगी वो रोशनी जिससे दूर हो जाएगा जीवन का अंधेरा। जय जय गंगा माता जो तेरी आरती गावे। सोमवार को सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही शुरू हो जाएंगे सभी शुभ काम। वैसे तो सूर्य का उत्तरायण में होना अपने आप में शुभ होता है, लेकिन इस बार जहां एक तरफ 12 वर्षों बाद पड़ने वाले महाकुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति से हो रही है, वहीं महाकुंभ का पहला शाही स्नान भी मकर संक्रांति को ही है। जब भी गुरु वृषभ राशि में होते हैं तब महाकुंभ का महापर्व आता है, यानी इस दिन गंगा में लगाई गई एक डुबकी आपको मकर संक्रांति के साथ साथ महाकुंभ का पुण्य कमाने का मौका भी दे दे रही है। ४४७ साल बाद बेहद शुभ मकर संक्रांति। मकर राशि में होंगे एक साथ 3 ग्रह, ग्रहों पर होगी गुरु की शुभ दृष्टि। 147 साल बाद संक्रांति पर ग्रहों की शुभ चाल से आप संवार सकते हैं अपने 7 जन्म। जहां एक तरफ शनि पहले से ही अपनी उच्च राशि तुला में है, वहीं मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य को मिल जाएगा मंगल और चंद्र का साथ, जो पहले से ही मकर राशि में मौजूद है। सूर्य पर सुहागा की स्थिति बनेगी 16 जनवरी को, जब बुध भी करेगा मकर राशि में प्रवेश और इस दिन सभी देवी ग्रहों पर पड़ेगी गुरु की शुभ दृष्टि, जो आपको दिलाएगी महाकुंभ का महापुण्य। इस दौरान रूचक महापुरुष और शश पंच महापुरुष योग बन रहा है। यही नहीं, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में संक्रांति और कुंभ स्नान के पड़ने के कारण सभी 10 महाविद्याओं की कृपा भी भक्त पर बरसेगी। मकर राशि में सूर्य के होने के कारण सभी देवता, उच्च के शनि, भगवान शिव सहित सभी दैवी शक्तियां मिलकर देंगी भक्तों को आशीर्वाद। तो बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए पूरी तैयारी, जिससे आप उठा सके इस बार मकर संक्रांति और महाकुंभ का पूरा लाभ। तो कैसे करें स्नान और किन वस्तुओं का करें दान, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज तक ब्यूरो। तो संक्रांति संग महाकुंभ और इसी दिन शाही स्नान। सबसे पहले पूजा का विधि विधान क्या है वो जानते सुरेश जी से। जी, पूजा के लिए सुबह यदि गंगा यमुना कोई सरोवर पवित्र नदी हो उसमें स्नान करके जल पुष्प लेकर संकल्प लें, पूजा के लिए संकल्प लें। सफेद या पीले रंग के वस्त्र आप धारण करें। किसी साधक अथवा पुजारी को ब्रह्म वैवर्त पुराण इसका दान करें। साथ ही तिल घी कंबल का दान भी अवश्य ही करें। विवाहित स्त्रियां जो है विशेष करके तेल वस्त्र नमक सौभाग्यवती स्त्रियों को दें। नारियल फल लोहे चांदी के बर्तन 14 की संख्या में 14 ब्राह्मणों को दान दें। ओम नमः नारायणाय ये एक मंत्र जो है कुंभ के लिए अत्यधिक शुभ मंत्र है। सुखासन अथवा वज्रासन में बैठकर ध्यान में जाकर आप इसका 14 तारीख से ही जो है मंत्र का जाप आरंभ कर दें। 7 मंत्र इसका आरंभ करें और लगातार इसको
एक माह तक करते रहे। मेष कर्क सिंह वृश्चिक धनु व मीन राशि के जातक जो है इसके तीन माला का जाप करें, पूर्वा भी होकर जाप करें। ढैया सारे सती से चले आ रही परेशानी, इसके लिए क्या करें, जातक जो है ओम एंग क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम एंग क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप लाल वस्त्र धारण करके करें और इसे करने से पहले सूर्य नमस्कार योग जरूर करें, योग कर रहे उसके उपरांत इस मंत्र का तीन माला का जाप मुंगे अथवा रुद्राक्षी माला से करें। याद रखेंगे जब आप ये जाप करेंगे तो अपना मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर करके ही इस जाप को करेंगे। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है इस दिन ये भी जानना कि सेहत हमारी कैसी रहे, समय जो है आगे का उसमें सेहत कैसी रहेगी और शत्रुओं का नाश किस तरीके से होगा। जैसे मकर में सूर्य आता है तो ऊर्जावान हो जाता है, तो स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए अत्यधिक शुभ समय 6 महीने के आपको मिलते हैं। वृषभ मिथुन कन्या मकर कुंभ राशियों के लिए इसलिए और भी अधिक शुभ रहेगा, सभी के लिए रहेगा परंतु इनके लिए और अधिक शुभ रहेगा। क्या करें, 14 तारीख को तिल मिश्रित जल से सुबह ही स्नान करें, तिल के उपटन का भी आप प्रयोग करें, साथ में जातक जो है ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय या लघु मृत्युंजय मंत्र है ओम जो सहा, इसकी माला का तीन माला का जाप करें स्नान के उपरांत। जैसे पहले बोला था उत्तर दिशा की ओर मुख करके इसका जाप करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में जाकर अनुलोम विलोम करके मन को स्थापित करके स्थिर करके तब जाप करें। मंत्र जाप के उपरांत आप रुद्राभिषेक करके तिलों का होम करें, तिलों का जो है आप हवन करें रुद्राभिषेक के उपरांत, तथा इस दिन 2, 4 या 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। भोजन में भी पूरे 30 दिन जब तक आने वाले समय है ये महा जो है कुंभ का, भोजन में तिल का प्रयोग अवश्य करें या तिल की रेवड़ी इत्यादि लेते रहें, हर प्रकार के रोग से आपको छुटकारा मिलेगा। 29 जनवरी के उपरांत क्योंकि मंगल अस्त हो रहे हैं इसलिए ये पूजाएं और लाभकारी होंगी। मंगल के अस्त होने से चोरी दुर्घटना के संकेत मिलते हैं, बीमारियां आती हैं, विशेष करके जो लोग खिलाड़ी हैं, फौज हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष करके राहत मिलेगी यदि आप 14 तारीख से ये उपाय सभी कर लेते हैं सेहत स्वास्थ्य हेतु। चलिए धन लाभ के लिए क्या बताएंगे, किस तरीके से धन लाभ हम पा सकते हैं इस समय। देखिए कुंभ के ये जो ग्रह स्थिति चली आ रही है इस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, सूर्य मंगल और बुध तीनों पर, इसलिए धन के लिए लंबे समय से चली आ रही दरिद्रता का समाप्त होने का समय ये हो सकता है। और यदि पितृदोषों के कारण आपकी धन की कमी है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। कुंभ पर्व के कारण, कुंभ पर्व जो है इसके कारण ये छुटकारा मिलता है। 14 या 22 जनवरी के स्नान से विशेष लाभ आपको मिलते हैं, जो दोनों स्नान है कुंभ से जुड़े हुए। क्या करें, देसी घी के बेसन के लड्डू खिचड़ी 11 जो है वृद्ध जो है उनको वृद्धाश्रम में या मंदिर में दान करें, इससे पितृदोषों की शांति होगी। 14 जनवरी की रात्रि में भक्ति का जागरण करवाएं तथा 15 से 22 तारीखों के मध्य दुर्गा सप्तशती के 33 पाठ से विद्वान ब्राह्मण से कराएं, पूरे 33 पाठ करवाएं और पाठ के उपरांत जो है 22 तारीख को हवन अवश्य ही करवाएं। कर्क सिंह कन्या कुंभ मीन राशि या लग्न इनसे जो जुड़े जातक हैं वो 14 तारीख को या 14 को संभव ना तो 22 को पीला पुखराज धारण कर सकते हैं अपनी फर्स्ट फिंगर में जो है इंडेक्स फिंगर में, तथा साथ ही 1 या 9 मुखी रुद्राक्ष जो भक्ति का स्वरूप है उन्हें धारण करें। मीडिया से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े हैं, होटल शेयर मार्केट प्रॉपर्टी जवाहरात यानी शुक्र मंगल और बृहस्पति से जुड़े जो भी क्षेत्र हैं इनसे जुड़े व्यापार में आपको अत्यधिक शुभ लाभ के संकेत मिलते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, संक्रांति, महाकुंभ और शाही स्नान सब एक साथ और किस तरीके से 7 जन्मों का पुण्य आप पा सकते हैं, हम जान रहे सुरेश जी से। सुरेश जी, महाकुंभ की भी शुरुआत हो रही, इससे पहले की हम नौकरी के लिए आपसे पूछे सवाल, ये बताएं कि इस बार महाकुंभ में सबसे खास बात क्या है। सबसे खास बात यह है कि मकर राशि में सूर्य और मंगल दोनों का इकट्ठा होना, मंगल का उच्च होना, काल पुरुष की राशि कर्म भाव और नौकरी और राजनीति अत्यधिक प्रबल, साथ में इन पर बृहस्पति की दृष्टि और मकर राशि के स्वामी शनि का उच्च होना, ऐसी ग्रह स्थिति लगभग 1866 के अब आ रही है। तो नौकरी राजनीति और व्यापार इसमें तो आप आगे बढ़ना हो तो बढ़े परंतु जीवन के हर क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं मिला करती। और कुंभ में ब्रह्मा विष्णु दुर्गा यानी दुर्गा शंकर और विष्णु सभी देवियों का स्वरूपों का आशीर्वाद आपको मिलता है, इसलिए पूजा करें लाभ मिलेगा। यानी धन प्राप्ति के काफी योग इस समय में बनते हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या फिर कहीं और उच्चतम स्तर की नौकरियां, IAS हो, IPS हो, मंत्री बनना हो, उच्चतम स्तर का आपने व्यापार करना हो उसके लिए अत्यधिक शुभ समय है। समय है, चलिए नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या बताएंगे। हाँ जी, नौकरी में उच्च पदों की प्राप्ति होती, बेहद शुभ समय रहेगा उच्च के शनि और मंगल के कारण, विशेष करके मंगल फौज से, चिकित्सा से, खेल से, अर्धसैनिक बलों से, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए
उन्नति के योग बनेंगे, इसमें प्रवेश के योग बनेंगे। 14 जनवरी को क्या करें, ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में या घर में गंगा जल के साथ स्नान करें। जल में खड़े रहकर, यदि नदी है तो जल में खड़े रहकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। जल में खड़े रहकर ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम घनी सूर्य नमः करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। दुर्गा विष्णु शंकर का ध्यान करते हुए जल में खड़े रहकर ही आदित्य अर्घ्य स्तोत्रम का 3 बार पाठ करें और लगातार इस पाठ को इस दिन के उपरांत 1008 दिन तक जो है करते रहें, या किसी ब्राह्मण से 1008 बार जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन आरंभ कराएं। बेशक इसके लिए 2-3 माह भी लगे, इसको कराते रहिए। इसी दिन जो है 11 मुखी जनार्दन रुद्राक्ष जो है उसे धारण करें और सूर्य बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। 5 माला जाप करें, किंतु याद रखें इस जाप को रोज सुबह ही करना। कार्य क्षेत्र में चली आ रही किसी भी कारण से पुरानी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो मकर संक्रांति है और इसके साथ महाकुंभ का योग, 7 जन्मों का फल आपको मिलेगा। और बहुत खास बात यह है कि शाही स्नान भी है इस दिन, तो आपको फल और ज्यादा मिलेगा। सुरेश जी, इससे पहले कि हम गृहस्थ जीवन की बात करें, आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिन स्नान का तो महत्व होता है लेकिन पूजा का विशेष महत्व होता है, वो इसलिए क्योंकि 29 तारीख से मंगल अस्त हो रहे हैं। मंगल जो है वैवाहिक जीवन में सर्वाधिक मुख्य ग्रह है, विशेष करके मांगलिक जातकों के जीवन में ऊर्जा का ये ग्रह है, शक्ति का ये ग्रह है। मंगल का अस्त होना 29 तारीख के उपरांत ये जाहिर करता है कि बेशक ये माह कितना भी अच्छा, आपके जो पुराने लंबे समय से चले आ रहे कुछ कर्म है उनसे तनाव आ सकते हैं, तो इस माह में आप पूजा करके इस तनाव को दूर कर सकते हैं। साथ में शुक्र भी अस्त हो जाएंगे 10 फरवरी के आसपास, तो ये दोनों अस्त ग्रह जो दांपत्य वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हैं, यदि पूजाएं आप 14 तारीख से या इसके उपरांत शुरू करते हैं कभी भी, तो आपको इस अस्त के समय को जो लगभग 3-4 माह तक जून तक चलेगा उससे छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगी। बिल्कुल, और वैसे भी जो प्रेडिक्शन आ रही थी वो उसके मुताबिक 2013 कहा जा रहा था कि दांपत्य जीवन के लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो क्या ये पीरियड बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेगा? हाँ जी, ये पीरियड बहुत क्रिटिकल रहेगा। ये देखिए, ईश्वर का एक प्रकार का न्याय है कि कुंभ को ऐसे समय में ईश्वर ला रहे हैं कि जब ये ग्रह खराब हो रहे हैं, तो उससे पहले कुंभ की पूजा से आप इस ग्रह दुरु ग्रह स्थिति से आप जो छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा मन को स्थिर करके पूजन करेंगे, आत्म संयम और अनुशासन और पूजा से ये समय आराम से निकल जाएगा, जो कि 29 जनवरी से शुरू होकर मंगल अस्त रहेंगे 27 जून तक। शुक्र जब तारा डूबेगा 12 फरवरी से लेके 10 फरवरी से लेके 24 अप्रैल और गुरु अस्त होंगे जून में, तो पूरे समय इस समय विवाह संस्कार इत्यादि नहीं होने जा रहे हैं, तो इस समय में पूजाओं से आपके जितने भी तनाव हैं वैवाहिक जीवन से, तनाव से, प्रेम से या कोई भी, सारे पूजा से शांति मिलती है। चलिए, गृहस्थ जीवन के लिए क्या बताएंगे? गृहस्थ जीवन के लिए क्या करें, 14 तारीख को आप स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें और स्त्री पुरुष या गौरी शंकर स्वरूप जो 2 मुखी रुद्राक्ष है इसको पंचामृत से धोकर, पंचामृत से इसका स्नान करके तांबे के कलश के ऊपर नारियल रखकर उसके सामने लाल वस्त्र में एक प्लेट में रखकर इसको स्थापित कर दें, स्थापित करें, और स्थापित करने के उपरांत इसको जो है आप कनेर, कमल के पुष्प और केसर इत्यादि अर्पित करें। विष्णु लक्ष्मी और गौरी शंकर का ध्यान करें, और ध्यान ऐसे करें कि जैसे विष्णु और लक्ष्मी जो है गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं, गौरीशंकर का पूजन जो है विष्णु और लक्ष्मी कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, ये ध्यान करें। इसके उपरांत जो है जब आप पूरे ध्यान में चले जाएं, थोड़ा सा प्राणायाम करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं लक्ष्मी व श्री कमल धारणी हंस स्वाहा। दोबारा बोल देते हैं इसको, ओम ऐं लक्ष्मी व श्री कमल धारणी हंस स्वाहा। 11 माला का जाप इस आरंभ करें और इस रुद्राक्ष पर जल से अभिषेक करते हुए जाप करते रहें। कुंभ के उपरांत भी 21 सोमवार जो है इस मंत्र को जो है आप इस एक माला जो है रुद्राक्ष पर करते रहे, उसके उपरांत इसको आप गले में धारण करें, वक्षस्थल के मध्य जो ब्रह्म स्थान है लाल अथवा पीले धागे में वहां ये स्पर्श करें, इतनी लंबाई रखकर इसको धारण करें, वैवाहिक जीवन से जुड़े सारे तनाव जो है दूर हो जाएंगे। बेशक कोई भी ग्रह अच्छे चल रहे हो खराब चल रहे हो, ये आपको शांति प्रदान करेंगे, स्थायित्व दे देंगे वैवाहिक संबंधों में। चलिए सुरेश जी, आप यहाँ पर आए चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।